कर मैं हूँ आपके साथ इंशान नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की बैठक गांव अलावलपुर में हुई संपन्न। जिला अध्यक्ष अमर सिंह पचहरे के नेतृत्व में हुई बैठक में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर हुई चर्चा। जिला अध्यक्ष अमर सिंह ने युवाओं से की कुरीतियों से दूर रहने की अपील। बैठक में बलजीत सिंह को संगठन का युवा जिलाध्यक्ष व हर्ष चौधरी को बनाया गया उपाध्यक्ष। समाज के पदाधिकारियों और बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। फिरोजाबाद से रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। और समाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे कितनी भी मुसीबत करनी पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम हमेशा आगे रहेंगे। और ये समय वो आ गया है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्या करें, मगर ये सत्य है कि हमेशा समाज से समस्या का हल होता है। हम आज अपने घर में बैठे, अपने परिवार में बैठे, अपने साथियों के साथ जागृति करें और ये संस्कार हमें वास्तव में खत्म कर देने चाहिए, चाहे जाट हो कोई भी कौन हो। हाँ, इतना है कि आज जो बैठक आयोजित की गई है ये किस संबंध में की गई है? आज जो बैठक आयोजित की गई है ये एक राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की मीटिंग है और हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि जो हमारी जाट समाज में कुरीति फैली हुई है इनको हम दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी समाज के बच्चे बढ़ें, आगे बढ़ें और स्पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और हम अपनी समाज की कुरीतियों को रोक पाएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इस संदर्भ में हमें आज जाट महासभा भारत की ये मीटिंग लगाई हुई है और जैसा कि आप सब देख रहे थे हमारे जो बीच में बैठे हुए हैं बुजुर्ग, इन सब ने मिल करके एक राय होकर के ये कहा है कि आज से हम अपनी समाज के लिए कुछ नया करेंगे। कार्यकारिणी का विस्तार भी हुआ है क्या? हाँ, आज जैसा कि हमारे बुजुर्गों का आदेश हुआ कि भाई युवाओं को आगे आना चाहिए, तो मुझे हमारे जो तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं इन्होंने आदेशित किया कि आप जो है अपने साथ में एक युवाओं को भी जिम्मेदारी दो। तो इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हमने भाई बलजीत सिंह जी को युवा जाट महासभा भारत का आज जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और हम चाहेंगे कि भाई बलजीत सिंह बहुत जल्दी से कार्यकारी बना करके और समाज के रूप में एक नया पैगाम लेकर के जाएंगे। पूर्व चेयरमैन रामवती चौधरी अध्यक्ष पद हेतु नगर पालिका परिषद टूंडला की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 97वें विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सैफुर रहमान उर्फ छुट्टन भाई की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल लाइटिंग नवीन की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उदयवीर सिंह बघेल रिटायर्ड राजधानी गार्ड रेलवे आवेदक आम आदमी पार्टी अध्यक्ष पद हेतु नगर पालिका परिषद टूंडला की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद परवेज अंसारी, प्रत्याशी वार्ड नंबर 67, आवेदक समाजवादी पार्टी। मैं सारे जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री नवाब सिंह कॉलेज के सचिव व प्रबंधक प्रेम प्रकाश एडवोकेट की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना रसूलपुर फिरोजाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गिलास व पंकज गिलास की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष हरिओम मिश्रा की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। विशंबर दयाल इंटरप्राइजेज
सुरेश कुमार अग्रवाल शुकोहाबाद की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।